अगर आप बीएड या फिर बीटीसी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, मीन्स आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, और मोस्टली लोग गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ही बनना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम टू श्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। आज मैं बात करने वाली हूँ टेट एग्जाम के बारे में, जिसको क्लियर किए बिना आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर नहीं बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानते हैं ये टेट होता क्या है। टेट मीन्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। बेसिकली टेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेट और सी टेट। टेट का एग्जाम हर स्टेट अपना अलग अलग कराता है, जैसे कि यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट। मोस्टली स्टेट्स जो हैं वो अपना अलग अलग टेट का एग्जाम करवाते हैं। सी टेट सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। अगर आप सी टेट क्लियर करते हैं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्कूल होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब की जब वैकेंसी आती है तो इन सब के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाते हैं इन सब की एग्जाम के लिए, अगर आप सी टेट क्लियर कर रखे हैं तो। बट अभी हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में सिर्फ टेट के बारे में, सी टेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। टेट का जो एग्जाम है वो हर स्टेट अपना अलग अलग कराता है। टेट का एग्जाम दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें इंटरव्यू को भी एड ऑन किया गया है। आज से पहले जो भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, बट अब अगर जो आगे होंगे उनका इंटरव्यू भी होगा। अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी हम पेपर की बात कर रहे हैं तो दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। अगर आप 1 to 5th के टीचर बनना चाहते हैं, मीन्स आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको जो फर्स्ट पेपर है जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। 150 मार्क्स का ये भी होता है और 150 मार्क्स का सेकंड पेपर भी होता है। बट अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, जूनियर के टीचर बनना चाहते हैं, तो जो सेकंड पेपर होता है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर होता है, आपको वो भी क्लियर करना होगा। तो ये हो गया हमारा टेट का पेपर। सेकेंड शिफ्ट का पेपर भी 150 मार्क्स का ही होता है। पेपर फर्स्ट 150 मार्क्स का होता है और पेपर सेकंड भी 150 मार्क्स का ही होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको टेट में क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स लाने होंगे। 150 में से 60% मीन्स 90 मार्क्स लाना ही होगा। और इसके लिए आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है पेपर, आप चाहते हैं अपना मार्क्स इम्प्रूव करना, तो आप सेकेंड पेपर भी दे सकते हैं। अगर सपोज आपके 91 मार्क्स आए हैं, आपने क्लियर कर लिया, बट आप चाहते हैं कि आपके और भी ज्यादा मार्क्स आए, तो आप नेक्स्ट ईयर भी टेट का पेपर दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी हैं तो 55% मार्क्स आपको लाने होते हैं टेट क्लियर करने के लिए। अब हम जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन लोग इसको दे सकते हैं टेट के एग्जाम को। मैं बात करूं अभी करेंटली सिचुएशन की, तो सबसे जो कॉमन है वो है बीएड और बीटीसी। अगर आप बीएड या फिर बीटीसी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, मीन्स आप 12th तो पास ही होंगे, हमें पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं या फिर लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, तो भी आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, लास्ट ईयर है, तो क्या हम टेट का एग्जाम दे सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं टेट का एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीएड कर रखे हैं, बीटीसी कर रखे हैं या फिर कर रहे हैं, तो भी आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। और भी बहुत से डिप्लोमा कोर्सेस हैं जिनको करने के बाद आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं, बट अभी करंटली सिचुएशन में सबसे कॉमन जो है वो है बीएड और बीटीसी, इसीलिए मैं इन दोनों की ही बात कर रही हूँ। अब बात करें एज लिमिट की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो हम अगर मैं अपने यूपी की बात करूँ तो कुछ भी फिक्स नहीं है, हमेशा सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होता रहता है। अभी तक तो पेपर 1 पेपर 2 ही था, अभी देखिए इंटरव्यू नया एड ऑन हो रखा है। और ये जो इंटरव्यू है ये भी हमारे लोकल लैंग्वेज में होगा, ताकि ये समझ में आए कि आप जो बच्चों को अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने में सक्षम है कि नहीं। आप जहाँ भी स्टेट से टेट आप दे रहे हैं, वहाँ के स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज पता है कि नहीं, आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बात करूँ तो वो है हमारा सिलेबस। जो भी 1st to 5th का टीचर बनना चाहते हैं, मीन्स प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, उनको पेपर फर्स्ट क्लियर करना होगा, मीन्स जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होता है वो क्लियर करना होगा। अगर इसके सिलेबस की बात करूँ तो 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें जनरल वालों को 60% मार्क्स लाने ही होते हैं।
सीडीपी होता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 होता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स का होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी 30 मार्क्स का होता है और मैथ्स 30 मार्क्स का होता है। टोटल 150 मार्क्स के होते हैं जिसमें आपको 60% मार्क्स लाने ही है क्लियर करने के लिए। अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो आपको 55% लाना ही होगा क्लियर करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर, जो कि 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, जूनियर के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आधा पेपर तो आपका 2 भी तैयार हो ही रहा है साथ में, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं है। सीडीपी आपको पढ़ना ही है, पेपर 1 के लिए पढ़ेंगे तो पेपर 2 का आपका वैसे ही तैयार होगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी 30-30 मार्क्स के पढ़ने ही हैं, आप दोनों के लिए साथ साथ में कर सकते हैं। इसमें एड ऑन करना होता है आपको सोशल साइंस और मैथ्स का, थोड़ा लेवल बढ़ाना होता है। बस यही होता है पेपर 2 में। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एनसीईआरटी के जो भी हमारा लाइट चैप्टर था, साउंड चैप्टर था, यही सारे क्वेश्चंस इसमें साइंस के होते हैं, ज्यादा हाई फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें नहीं होते हैं। तो ये आपको सिलेबस का आइडिया लग गया। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जो अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि अगर आपने टेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो पहले इसकी वैधता थी कि ये सिर्फ 5 साल तक ही मान्य रहेगा, उसके बाद हुआ कि अब ये 7 साल तक मान्य रहेगा। बट अभी जो हम लोग के लिए गुड न्यूज है कि अब अगर हमने टेट का एग्जाम क्लियर किया है तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, आप लाइफ टाइम मतलब ये एक्सपायर नहीं होगा। तो ये हम लोग के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।